छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ के किसानों मजदूरों को सम्मान देते हुए 1 मई मजदूर दिवस के दिन बोरेबासी दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। इसी कड़ी में इस वर्ष भी 1 मई को बोरेबासी दिवस मनाते हुए नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा सेक्टर 5 आंध्रा भवन में आयोजित किया गया, जिसमें महापौर, भिलाई नगर विधायक एवं निगम आयुक्त सहित MIC सदस्यों के साथ अन्य कर्मचारियों अधिकारियों ने बोरेबासी का आनंद उठाया। श्रमिक भाइयों और किसानों के सम्मान में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर को बोरेबासी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। पूरे प्रदेश भर में सोमवार को बोरेबासी दिवस मनाया गया। नगर निगम भिलाई द्वारा 1 मई को बोरेबासी दिवस मनाने को लेकर व्यापक रूप से तैयारियां की गई थी। इसी के तहत आंध्रा भवन सेक्टर 5 में आयोजित कार्यक्रम में बोरेबासी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव, महापौर नीरज पाल, नगर निगम आयुक्त रोहित व्यास उपस्थित हुए। बोरेबासी दिवस के मद्देनजर निगम प्रशासन द्वारा पारंपरिक छत्तीसगढ़ी भोजन की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई थी। विधायक देवेंद्र यादव, महापौर नीरज पाल, निगम आयुक्त रोहित व्यास ने निगम के अधिकारियों, कर्मचारियों और श्रमिकों के साथ बैठकर बोरेबासी खाया। बोरेबासी का लुत्फ उठाने बड़ी संख्या में आंध्रा भवन में अन्य लोग भी पहुंचे और श्रमिकों के साथ बैठकर भोजन किया। मजदूरों और किसानों के सम्मान में आयोजित बोरेबासी दिवस पर प्रदेश के अन्य स्थानों में भी इसका भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर कर्मचारियों के चेहरों में खुशी देखने को मिली। सभी ने एक साथ बैठकर बोरेबासी खाया। इस अवसर पर भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव, निगम आयुक्त रोहित व्यास एवं भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार और धन्यवाद करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने श्रमिकों के सम्मान में बोरेबासी दिवस मनाने की अपील की और आप देख सकते हैं पूरा प्रदेश के हर वर्ग के लोग आज बोरेबासी दिवस मनाते हैं। सभी लोग अपने घरों में भी बोरेबासी का आनंद लेते हैं और सार्वजनिक रूप से भी ये आयोजन होता है। देखिए, ये हमारी संस्कृति से जुड़ा तो है ही, साथ ही साथ अगर इसमें देखा जाए तो हमारा छत्तीसगढ़ की स्थापना या संपूर्ण विश्व में अगर सबसे ज़्यादा सम्मान किसी को देने की आवश्यकता है तो सबसे पहले हमारे श्रमिक भाई हैं, श्रमिकों का सम्मान होना चाहिए। तो श्रमिकों के सम्मान के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कदम उठाया और मैं उनका आभार करूंगा कि उनकी सोच का आभार करूंगा कि वो कैसे हर वर्ग के व्यक्ति को श्रमिक साथियों के बाजू में बैठाकर भोजन कराने का आनंद दिला रहे हैं और निश्चित रूप से इससे हमारी आपसी प्रेम, सद्भाव और सम्मान श्रमिकों का बढ़ेगा। भिलाई क्योंकि लौह नगरी है, इसकी तो पूरी स्थापना श्रमिकों के कंधों पर हुई है, तो मैं सभी श्रमिक साथियों को भी मजदूर दिवस की शुभकामनाएं दूंगा। सर्वप्रथम तो आज मजदूर दिवस के, श्रमिक दिवस के अवसर पर और बोरेबासी दिवस के अवसर पर मैं सभी को और नगर निगम भिलाई के सभी नागरिकों को, कर्मचारियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देना चाहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा थी उसके अनुसार जो हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है, उसको बचाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए एवं श्रमिकों का सम्मान करने के लिए आज बोरेबासी दिवस का हम सभी नगर निगम भिलाई के कर्मचारियों अधिकारियों ने यहाँ पर उसको मनाया है। इसमें माननीय महापौर महोदय, माननीय विधायक महोदय भी हमारे बीच उपस्थित थे। हम सभी ने बोरेबासी खाया और उसका आनंद लिया। करीब 500 हमारे जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, सभी ने यहाँ पर बोरेबासी का आनंद लिया। देखिए, एक तो पाचन शक्ति की वृद्धि करता है ये, इसमें कई विटामिन्स होते हैं और काफ़ी लाइट खाना होता है, बहुत जल्दी पच जाता है। तो और हमारी परंपरा चली आ रही थी, हमारे श्रमिक बोरेबासी खाकर निकलते थे, दिन भर श्रम करते थे, उसी परंपरा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। भिलाई तो वैसे ही श्रमिकों का शहर है और हम सभी किसी न किसी तरह से कोई ना कोई श्रम कर रहे हैं। जैसे जैसे शासन से निर्देश मिलते हैं उस तरह के हम आयोजन करते रहते हैं। जैसे आज ये भव्य आयोजन हम लोगों ने किया है, भविष्य में भी हम इसी तरह के आयोजन करते रहेंगे। आज 1 मई को श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसको हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ के पारंपरिक जो भोजन है बासी, जो यहाँ के जितने भी किसान लोग रहते थे वो बासी खा के ही जो है यहाँ का अपने काम पे जाते थे, तो उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक श्रमिक दिवस के दिन ही बोरेबासी दिवस मनाने का निर्णय लिया। मैं समस्त भिलाई वासियों को और समस्त प्रदेशवासियों को बोरेबासी दिवस और श्रमिक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। ये क्या फ़ायदा होता है, क्या ऐसी चीज़ है बोरेबासी में जितनी एनर्जी आती है? देखिए, बोरेबासी जो है वसा
बिल्कुल उसमें नहीं होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत होती है, उसमें विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स की मात्रा भी बहुत पाई जाती है। तो यह जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए और इसके लिए भी बड़े अत्यंत ही लाभकारी है। इसके साथ ही इसमें इस अवसर पर मुख्य रूप से नगर निगम के सभापति गिरिवर बंटी साहू एवं MIC मेंबर निगम के सभी जोन के आयुक्त, विभिन्न विभागों में पदस्थ कर्मचारी एवं श्रमिक उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।